हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका फिर से एक मेरे नए ब्लॉग में। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं सुबह राधिका को भेज के स्कूल में, राधिका जा चुकी है स्कूल में, तब पूजा करने लग रही हूँ मैं। और मैंने अपने मोहन का स्नान करा दिया है, बस अब आरती रहेगी करनी। मैं आपको अपने मोहन का आज का श्रृंगार दिखाती हूँ, देखिए मेरे मोहन का आज का श्रृंगार। पूजा के बाद यहाँ पे आई हूँ मैं सूर्य देव को जल देने के लिए। कल तक तो आंधी तूफान का मौसम था, रात तक बहुत ज़्यादा घटा थी, बारिश थी, बल्कि हमारे यहाँ तो पड़ोस में बिजली भी, किसी के यहाँ पे आसमान से बिजली भी गिरी, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया। बिजली गिरने की वजह से उनके घर के अंदर आके बिजली गिरी, काफ़ी नुकसान हो गया। और अगले दिन देखिए कितना साफ मौसम हो गया है, बादल भी छट गए हैं, तो देखिए सूर्य देव भी उदित हो चुके हैं, दर्शन दे रहे हैं। कल तक कितना अंधेरा था, शाम के टाइम कितनी बारिश थी, और आज मौसम साफ हो गया है। क्या कर रहा वीर? मिट्टी कीचड़। अच्छा तो मैंने कहीं दिन ना रखा। फिर अब नाश्ता करिए। तो पूजा हो गई है और अब बना लेती हूँ मैं नाश्ता। नाश्ता राधिका का तो बना देता, पहले ही स्कूल जा चुकी है राधिका, और तब पूजा की मैंने उसे भेज के, और अब बना लेती हूँ अब सबके लिए नाश्ता। सब्जी मैंने बना ली थी, राधिका अभी लेके गई और हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी पे, अब खेत में गए हुए हस्बैंड ड्यूटी में जाएंगे, उनके लिए बना दिया। मतलब सब्जी बन सभी के लिए बना दी मैंने। कल की हवा और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा धूल हो गई है चारों तरफ, मतलब धूल आई तो थी काफ़ी, बारिश के साथ आई धूल, वैसे तूफान जो चला बारिश के साथ चला, धूल आई तो फिर भी ज़्यादा नहीं आई, पर फिर भी बहुत ज़्यादा धूल हो गया घरों में। और वही टेस्टिंग कर रही हूँ मैं सब चीज। तो मैं कर रही हूँ घर की डीपली क्लीनिंग, क्योंकि कल बहुत तेज हवा थी और बारिश भी थी, वैसे मतलब जो हवा चली थी बहुत तेज, तूफान जो आया था बारिश के साथ आया था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा धूल तो आई नहीं घरों के अंदर, लेकिन फिर भी काफ़ी दिन से धूल मिट्टी का मौसम ही हो रहा था, क्योंकि सबकी गेहूँ कट रहे हैं, मशीन में गेहूँ निकलते हैं, धूल मिट्टी का मौसम हो जाता है, गर्मी आती तो वही धूल मिट्टी आ रही थी, और आसमान में बहुत धूल मिट्टी चढ़ रही थी जो हवा के साथ सब घर के अंदर ही आती थी, तो वो बारिश होने से ना सारी धूल मिट्टी नीचे आ गई, उतर गई आसमान से, तो अब धूल इतना ज़्यादा धूल नहीं आ रही घर में, तो इसलिए मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, ताकि मतलब अब क्योंकि अब ज़्यादा धूल तो आएगी नहीं, बारिश हो चुकी है। वैसे डस्टिंग वगैरह तो रोज़ होती थी, लेकिन जो डीपली क्लीनिंग है ना वो नहीं करती थी मैं डेली, क्योंकि जब तक बारिश ना हो चाहे कितनी भी सफाई कर लो धूल फिर भी आ ही जाती है, हवा चलती है, हमारा तो वैसे भी घर खुला है, ज़्यादा धूल आती है, तो यहाँ विंडो वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ, विंडो की शीशा वगैरह सब कर रही हूँ मैं साफ़, यहीं पे काफ़ी टाइम से मैंने डस्टिंग नहीं की थी, हल्का फुल्का कपड़ा लगा देती थी, झाड़ू मार देती थी, तो मतलब इतना अच्छे से साफ़ नहीं होता था झाड़ू से, लेकिन आज गीले कपड़े से कर रही हूँ अच्छे से साफ। अब कुछ दिनों के लिए राहत तो मिल जाएगी धूल से, क्योंकि बारिश होने के बाद कुछ दिन तक तो धूल जल्दी उठती नहीं है, इतना धूल नहीं आती घरों में, फिर वही धूप निकलने लगती है, सब धूल मिट्टी सब सूख जाती है मिट्टी, फिर वापस से धूल उड़ने लगती है। पर इस बार जो से जैसे बारिश आई तूफान आया तो इतनी धूल नहीं आई, और ये ज़्यादा अच्छा रहा कि बारिश के साथ ही हवा चली, क्योंकि फिर बारिश नहीं धूल नहीं आने दी, धूल सब बारिश में मिल गई थी, और जो पहले तूफान आ जाता है फिर बाद में बारिश आती है ना, तो इतना गंदा हो जाता है घर में, इतनी मिट्टी आ जाती है, इतनी धूल आ जाती है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मैं वीर को दे रही हूँ दवाई जो डॉक्टर ने दी थी इसके हाथ के लिए, कैल्शियम की दवाई है ये, मीठी दवाई तो बच्चे आसानी से ले लेते हैं। काफ़ी टाइम से कपड़ा भी नहीं लगा था इन पे, क्योंकि मैं घर चली गई थी उसके बाद आने के घर से, इतने अच्छे से मैंने की नहीं थी, अब डस्टिंग का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, फिर मैंने उसके बाद पहले झाड़ू लगा ली थी तब डस्टिंग की, और अब लगा रही हूँ मैं पोछा।
बस अब लग गई हूँ दोपहर का खाना बनाने। सब्जी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, तभी मैं आज काम में लगी हुई थी, क्योंकि सब्जी बनाने की तो मुझे टेंशन थी नहीं, सब्जी पहले बन चुकी थी, बस रोटियां बनानी थी, तब मैं रोटियां बनाने लग गई हूँ। बनी चुकी है रोटियां तो सभी, मोहन को मैंने भोग लगा दिया है और वीर खाना खाने लग रहा है। राधिका भी स्कूल से आ चुकी थी, मैं लेट लगी थी खाना बनाने, 1 बजे, और राधिका 1 बजे आ जाती है, तो बच्चे तो खाना ही खाने लग गए थे और मोहन को भी भोग लगा दिया था, बस मम्मी और मैं रह गए थे। तो शाम की पूजा कर ली है जी, देखिए तुलसी माता। तो मैंने कल तुलसी माँ को खुले में बिठा दिया था ताकि बारिश का पानी मिल सके, क्योंकि बारिश के पानी से पौधे ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं। तो अब मेरी तुलसी माँ भी थोड़ी थोड़ी हरी भरी होने लगी है। ध्यान रखना पड़ता है पौधों का, तभी पौधे हरे भरे होते हैं। क्या है मम्मी? क्या है इसमें? गाय का दूध दादी कैसे दूध निकालती है? ऐसे निकालती है दादी दूध? कैसे निकालती है दादी दूध? ऐसे। अच्छा बता दूध कैसे पिएगा? दूध कैसे पिएगा? दूध पीकर दिखाओ दूध। अच्छा इसको चुम्मू बनाना। दूध क्यों नहीं? क्या नहीं? क्या नहीं?